अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो कल क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर की तरफ से एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी गई उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने पीजी लेटरल इंट्री में जो है वो अप्लाई किया था 2022 सेशन के लिए, जो 8 अक्टूबर को जिसकी जो है वो फॉर्म्स लग रहे थे, नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी गई थी। तो उन कैंडिडेट्स को क्या कुछ करना है वो मैं यहाँ पे आपको डिटेल में समझाऊंगा। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो है वो कल जो है पोर्टल पर आ गई थी। यहाँ पे हम इसको पढ़ के आपको समझाते हैं। द कैंडिडेट्स हुए अप्लाइड फॉर द वेरियस पीजी प्रोग्राम्स अंडर लेटरल एंट्री स्कीम फॉर द एकेडमिक सेशन 2022 इन रेस्पॉन्स टू एडमिशन नोटिफिकेशन नंबर 4 इशूड अंडर नंबर दिस, ये आप देख सकते हैं नंबर डेट 8/10/2022, आर इन्फॉर्मेड थ्रू द मीडियम ऑफ दिस नोट्स टू अपलोड द मार्क्स ऑब्टेनड बाय देम इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद द प्रोविजनल मार्क्स कार्ड। यानी कि उनको क्या कहा गया कि आप जो है अपने मार्क्स भी अपलोड कर लो जो प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका है, और उसके साथ साथ उसकी मार्कशीट भी आपकी ओरिजिनल मार्कशीट जो है वो यहाँ पे आपने अपलोड करना है बाय लॉगिंग इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आपने लॉग इन करना है थ्रू स्टूडेंट साइन इन। स्टूडेंट साइन इन का जो पेज वहाँ पे है उस पे जाके लॉग इन करना है। द लिंक शल रिमेन लाइव विद इफेक्ट फ्रॉम 10/11/2022 to 13/11/2022, यानी कि 10 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक जो है वो लिंक जो है वो ओपन कर दी जाएगी। और सबसे लास्ट में यहाँ पे क्या नोट लिखा है, नो रिस्पॉन्स फॉर अपलोडिंग द मार्क्स शल बी इंटेंडेड आफ्टर एक्सपायरिंग ऑफ द डेट। तो देखिए जिन कैंडिडेट्स ने लेटर इंट्री पीजी में अप्लाई किया है क्लस्टर यूनिवर्सिटी 2022 सेशन के लिए, उन कैंडिडेट्स को कहा गया कि आप क्लस्टर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो www.clustercusrinagar.edu.in ये वेबसाइट है, इस पे जाके स्टूडेंट साइन इन का जो ऑप्शन होता है वहां पे जाके लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपके पास ऑप्शन दिखेगा वहां पे। अभी मेरे पास किसी कैंडिडेट की आईडी नहीं थी वरना मैं आपको लॉग इन करके भी दिखा देता। उसमें आपको जो है वो एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। तो वो लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे दिखाई देगा मार्क्स जो है आपने प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, उसमें कितने आपके मार्क्स हैं वो यहाँ पे आपने डालने हैं, और उसके साथ साथ प्रीवियस मतलब कि जो पिछला एग्जाम आपका था उसके मार्क्स आपने डालने हैं, और उसकी मार्कशीट आपने जो है वहाँ पे अपलोड करनी। अपलोड करने के बाद जो है वो फिर यूनिवर्सिटी तक जाएगी, वो उसकी वेरिफिकेशन वगैरह जो कुछ भी उनको करना होगा। और ये सारा प्रोसेस आपको जो है वो 10 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक, यानी कि कल स्टार्ट हो चुकी है, आज कल और परसों तक जो है वो 3 दिन तक जो है वो अभी ये लिंक एक्टिवेट रहेगी, यानी कि 10 से 4 तक ये मतलब 4 दिन तक यहाँ पे लिंक एक्टिवेट रहेगी, और आज दूसरा दिन है और 3 दिन यहाँ पे आपके पास टाइम है। तो 3 दिनों में आपने जो है वो अपने मार्क्स कार्ड भी अपलोड करना है और प्रीवियस क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो भी अपने अपडेट करने हैं, जो प्रीवियस एग्जाम आपने दिया होगा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का जो कुछ भी होगा, सिक्स सेमेस्टर या जो सेमेस्टर भी आपका होगा, 8th सेमेस्टर होगा, जो भी होगा आपका, उसका यहाँ पे आपने डिटेल्स वगैरह डालनी है, वो वहीं पे आपको जो है वो सबमिट कर देनी है। तो ये था क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट पीजी कैंडिडेट्स के लिए, जो मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की। तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेंगे। कोई कंफ्यूजन डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।